नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे अडानी को भारत रत्न के ऐलान पर भड़के विपक्ष की, असम को मिली करोड़ों रुपए की सौगात की, भाजपा में चले जाओ तो सारे खून माफ केजरीवाल के बयान की, ज्ञान व्यापी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की करारे जवाब की, बात करेंगे TMC को लेकर इंडिया गठबंधन में फिर मची खलबली की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में BJP अच्छे काम करने वालों को रच जेल में डाल देती है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, स्वागत में जलाए 1 लाख दिए। वहीं मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए दी 11,000 करोड़ की सौगात। PM मोदी बोले कि बीते 10 सालों में बदली भारत की स्थिति। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर भड़के ओवैसी, कहा यह पुरस्कार का अपमान। इन्हीं की मौजूदगी में ढहाई गई थी बाबरी मस्जिद। रविवार को हैदराबाद से रांची पहुंचे महागठबंधन के 38 विधायक आज झारखंड विधानसभा में साबित करेंगे बहुमत। वहीं चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट में पूर्व CM हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। इसके लिए रांची कोर्ट से मिली इजाजत। कुछ समय बर्बाद झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी अपने मित्रों को सौंप देंगे मोदी सरकार। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी, लेकिन मोदी सरकार इन्हें चुनिंदा 2-3 अरबपतियों को सौंप रही। कलाकारों की जमात ऐसी होनी चाहिए जो विश्व संस्कृति का मार्गदर्शन कर सके, बेंगलुरु में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत, कहा भारत अब धीरे धीरे जाग रहा है और अपने आप को पहचान रहा है। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक दिखता रहेगा प्रभु श्री राम का चमत्कार, दिल्ली में बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। साथ ही कहा कि नफरत के नहीं हम प्रेम के आदि हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। भाजपा से डर गई ममता दीदी, इसलिए उन्हीं की भाषा बोल रही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बंगाल CM पर वार। दरअसल एक दिन पहले ममता ने कहा था कि कांग्रेस को आखिर किस बात का घमंड है, वह 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। BJP में चले आओगे तो सारे खून माफ, दिल्ली CM का मोदी सरकार पर तंज, बोले कतई नहीं जाऊंगा, हमने कौन सा गलत काम किया, हमें रोकने की चाहे लाख कोशिश कर ले, हमने जो शिक्षा की मसाल जलाई है उसे बुझने नहीं देंगे। भाजपा की मोदी सरकार बंगाल में फैला रही आर्थिक आतंकवाद, TMC ने लगाया गंभीर आरोप, बोली BJP के निशाने पर है ममता सरकार क्योंकि वह हमसे मुकाबला नहीं कर पा रही। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के फैंस को जल्द मिलेगी खुशखबरी, पूर्व साउथ अफ्रीका बल्लेबाज डिविलियर्स ने कर दिया बड़ा खुलासा, बोले दूसरे बच्चे के कारण वह परिवार के साथ है। त्रिपुरा में हुआ जमकर विकास, यहां बना वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, CM मानिक शाह ने बांधे PM मोदी की तारीफों के पुल, बोले प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि भारत के विकास के लिए पूर्वोत्तर भारत का विकास जरूरी। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, ED ने कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत, बोले वो एक पब्लिक सर्वेंट फिर भी नहीं हो रहे पेश। ममता बनर्जी के लिए हमने दरवाजा बंद नहीं किया और ना ही सीटों को लेकर कोई एक तरफा घोषणा की, बंगाल CM की तीखी टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है और इसी नजरिए से देखना चाहिए। BJP लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाकर भी दे सकती है सम्मान, शिवसेना सांसद संजय रावत का मोदी सरकार पर तंज, बोले जब मौका आया तो इन्हें दरकिनार कर दिया और अब भारत रत्न दे रहे हैं। फिसल गई थी जुबान, देश भर में CAA लागू करने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दी सफाई, बोले मैं यह कहना चाहता था कि CAA के लिए नियमों के निर्धारण को अंतरिम रूप दिया जाएगा, लागू किए जाने के बाद जुबान से फिसलन थी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की उठ रही मांग, रविवार को कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरे हजारों लोग, बोले ले कारगिल को संसद में दे अलग से।
हमें रोकने की चाहे लाख कोशिश कर लें, हमने जो शिक्षा की मशाल जलाई है उसे बुझने नहीं देंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की। रविवार को यहां उन्होंने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए की सौगात थी। इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल का जिक्र किया। तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने, देखे इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहाँ माँ कामाख्या के द्वार पर आया हूँ। आज मुझे यहाँ माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है मुझे उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब ये बनकर पूरा होगा तो देश और दुनिया भर से आने वाले माँ के भक्तों असीम आनंद से भर देगा। उन्होंने कहा कि हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की स्थली ही नहीं है, ये हजारों सालों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा ये उसकी साक्षी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विपक्ष का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोगों ने अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने का ट्रेंड बना लिया था, लेकिन कोई भी देश अपने अतीत को मिटाकर भुलाकर कभी विकसित नहीं हो सकता है। मुझे संतोष है कि बीते 10 सालों में अब भारत में स्थितियां बदल गई हैं। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। एक तरफ भाजपा की मोदी सरकार देश की विरासत को बचाने में लगी हुई है तो वहीं दूसरी ओर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया को सनातन का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। जी हाँ, यही पाठ पढ़ाने के लिए शनिवार को उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन और साथ ही ज्ञान व्यापी मामले में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। तो ऐसे में क्या कहा है उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली में अपनी पुस्तक सनातन धर्म क्या है का विमोचन किया। इस दौरान कई मुद्दों पर उनसे सवाल जवाब किए गए। हाल ही में ज्ञान व्यापी मामले पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि ज्ञान व्यापी में नंदी भगवान निकल चुके हैं और अब भगवान शंकर भी प्रकट होंगे, इसकी गारंटी है। अगर भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञान व्यापी और मथुरा दे दें, भाईचारा बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब होगा कि आप उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं चलती, वो स्वतंत्र है। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तीसरी बात यह है कि ज्ञान व्यापी को लेकर कोर्ट का जो आदेश आया है वो एकदम सहज है। तहखाने में व्यास परिवार की ओर से पूजा हुई थी, उस पर जो रोक लगाई गई उसे अब हटा दिया गया है। अभी ज्ञान व्यापी का निर्णय नहीं आया है। शास्त्री ने आगे कहा कि मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बना रहे थे उसको मस्त लग रहा था और आज जब मंदिर की जगह ही मंदिर बन रहा है तो बुरा लग रहा है। पीठाधीश्वर ने आगे कहा कि दूसरे सब धर्मों में सिर्फ चाहे वो पैगंबर हो, सबने अपने को भगवान का मैसेंजर बताया है, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को कहा है कि मैं ही भगवान हूँ। वहीं अपनी किताब को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि यह किताब दक्षिण राज्य की बीते 6 महीने पहले 5 दिन में भगवान हनुमान से मिली प्रेरणा से लिखी गई है। इस किताब में सनातन का मूल क्या है, सनातन का उद्देश्य क्या है और सनातन का गुण क्या है, सनातनी होने के 5 लक्षण क्या हैं, इसी के बारे में जानकारी दी गई है। जानकारी तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी दी जा रही है ईडी की तरफ से, लेकिन वो इसकी एक तक नहीं सुन रहे, उल्टा भाजपा की मोदी सरकार पर ही साजिश का आरोप लगा रही है। तो आइए देखते हैं इस बार उन्होंने क्या कहते हुए बीजेपी को लताड़ा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को किराड़ी विधानसभा में 2 नए सरकारी स्कूलों की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने ईडी द्वारा लगातार भेजे जा रहे समन को लेकर बीजेपी को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र और बीजेपी ने सारी एजेंसियां हमारे पीछे छोड़ दी हैं। कहते हैं मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया। मनीष सुबह 6 बजे उठकर स्कूलों के चक्कर लगाता था, जबकि घोटाला करने वाला दारू पीता है, लड़की छेड़ता है। मनीष का कसूर इतना है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सत्येंद्र जे
उज्जैन अच्छे अस्पताल बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया अच्छे स्कूल नहीं बनाता तो ये कुछ नहीं करते। केजरीवाल ने आगे कहा कि भले ही आप मुझे भी जेल में डाल दें, लेकिन स्कूल एवं मोहल्ला क्लिनिक बनाने और दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के काम जारी रहेंगे। करोड़ों गरीबों बच्चों के माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। जो मर्जी षड्यंत्र कर ले, लेकिन हम झुकने वालों में नहीं है। दिल्ली सीएम ने हमला बोलते हुए आगे कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं हमारी पार्टी में आ जाओ सारे खून माफ है, लेकिन हम शामिल नहीं होंगे बीजेपी में क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। इसके अलावा मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में बजट का 4% खर्च करती है, लेकिन दिल्ली सरकार 40% खर्च करती है। सभी बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूँ। मैंने कसम खाई है कि जो शिक्षा देश ने मेरे बच्चों को दी वही शिक्षा आपके बच्चों को दिलानी है। गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि एक वक्त की रोटी कम खा लेगा लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वहीं दिल्ली सरकार भी यही सोचती है कि 2 सड़क कम बना लेंगे लेकिन अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली के पूरे 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप कहां तक ईमानदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक ट्विटर पर हमें फॉलो करें, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है।